नमस्कार मित्रों, मैं हूँ दीप ले और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनीसॉफ्ट मीडिया। और आज भी मैं आपके लिए लेके बहुत सारे ढेर सारे एक्साइटिंग अपडेट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज का जो पहला अपडेट है उससे हम लोग को बहुत ही अच्छा सीख मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो ही जाते हैं। तो आपको मैं अभी एक पिक दिखाने वाला हूँ, मेरे पीछे आपको एक पिक देखने को मिल रहा होगा, वो है आईफोन का फनरल का पिक। हाँ, आप सही देख रहे हैं, आईफोन मरा नहीं है, बट आईफोन का फनरल का पिक कैसे मिल गया? क्योंकि जब विंडोज़ ने अपना विंडोज फ़ोन लॉन्च किया था, तो वो लोग ने क्या किया था, आईफोन का एक फनरल निकाल दिया था। बट अभी कुछ हम लोग को उल्टा ही देखने को मिल रहा है। अभी आईफोन कहाँ से आसमान छू रहा है, विंडोज़ फ़ोन का नाम ही सुनाई नहीं दे रहा। और अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि जो विंडोज़ फ़ोन है वो डेड हो चुका। सो दोस्तों, आज का जो सेकेंड अपडेट है हमारा, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। कुछ दिन पहले सुंदर पिचाई ने अपने कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग सब साथ हो जाए तो हमारा लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगा। बट एलन मस्क ने उसमें कुछ और ही कमेंट किया। जब उसने देखा कि गूगल का कॉन्फ्रेंस में ये सब हो रहा है, तो उसने बोला कि गूगल का जो AI है वो इनोसेंट नहीं लग रहा देखने में। हाँ, आप सही सुन रहे हो, उसने यही बोला, इनोसेंट नहीं लग रहा। क्योंकि सेम हम लोग को कुछ दिन पहले देखने को मिला था, फेसबुक ने भी अपना AI बनाया हुआ था मार्क जुकरबर्ग ने, बट उस AI में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण वो लोग को AI को शट डाउन करना पड़ा। तो देखते हैं एलन मस्क सही है या हमारा सुंदर पिचाई। आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन सा स्मार्टफोन चल रहा है? आईफोन तो चल ही रहा है, उसका बात छोड़ ही दो। और दूसरे में क्या चल रहा है? सैमसंग नहीं, उतना नाम सुनाई नहीं दे रहा। ओप्पो भी वो होर्डिंग्स लगा हुआ है, बट उतना चल नहीं रहा है। बट सबसे ज़्यादा चल रहा है MI, क्योंकि 3 महीने में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग फ़ोन है वो तो है नॉट 4, जो कि है रेडमी का। तो इसमें खुशखबरी ये है कि रेडमी ने अपना नया फ़ोन निकाला है, वो है Mix 2। तो वो लॉन्च हो गया फ्लिपकार्ट में, तो आप जल्दी ही जाइए परचेस कीजिए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आज का हमारा 4th अपडेट जो है वो है मोजिला फायरफॉक्स के बारे में। मोजिला फायरफॉक्स हम लोग सबको यूज़ करता है, राइट? बट मोजिला फायरफॉक्स ने अपना नया एक वर्जन निकाला है जिसका नाम है फायरफॉक्स रॉकेट। बट बुरा बात यह है कि ये हमारे इंडिया में लॉन्च होने नहीं वाला है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ इंडोनेशिया के लिए बनाया हुआ है, हमारे इंडिया के लिए नहीं, इंडोनेशिया के लिए बनाया हुआ है। तो देखते हैं ये फ्यूचर में भी हमारे इंडिया में लॉन्च हो सकता है कि नहीं। सो दोस्तों, हम लोग जब भी प्ले स्टोर में जाते हैं या कोई भी ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि देखने के लिए वो ऐप का रैंकिंग कितना है, बट हम लोग को देखने को नहीं मिलता। तो निराश मत होइए, हमारा प्ले स्टोर एक नया फीचर ला रहा है जिसमें आप हर एक ऐप का रैंकिंग भी देख सकते हैं। तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर अपडेट कीजिए, देखिए आपका प्ले स्टोर में आ गया आएगा ये अपडेट या नहीं आया, तो वेट कीजिए, जल्दी ही आ जाएगा। और हमें बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। भाई सीरी को कौन नहीं जानता यार, आईफोन ज़्यादा से आईफोन का सबसे बेहतरीन फ्यूचर है वो है सीरी। उसमें आप अपने आप बात कर सकते हो सीरी के साथ, कुछ भी काम करवा सकते हो सीरी से। तो सेम गूगल का भी एक असिस्टेंट है जिसे हम लोग जानते हैं गूगल असिस्टेंट बोलते हैं। बट इसमें एक खराबी है, गूगल का जो असिस्टेंट है वो बहुत ही रोबोटिकली साउंड करता है, लाइक जी जी जी। बट थैंक्स टू वेब नेट टेक्नोलॉजी, अभी जो गूगल का असिस्टेंट है वो और ज़्यादा ह्यूमन बींग के तरह साउंड करेगा, रोबोटिक के तरह। तो देखते हैं ये फीचर कितना जल्दी अपडेट हो पाता है। दोस्तों, आज का जो हमारा लास्ट अपडेट है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशी वाला अपडेट है, क्योंकि इसरो ने ठीक 1 साल पहले लॉन्च किया था एक मिनिएचर सैटेलाइट जिसका नाम था SCATSAT-1। ये SCATSAT-1 सैटेलाइट जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, फिर साइक्लोन प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया गया था। तो आज उसने पूरा 1 साल पूरा कर लिया आउटर स्पेस में। थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड एंड दीप्रेस साइनिंग आउट।